एस फोन से छाई धुलाई विवाद के दूसरे दिन स्कूली बच्चों ने यहाँ मोर्चा संभालने का काम किया। जिस सड़क से होकर हाईवा ट्रक छाई ढुलाई करते हैं, उस सड़क के दोनों किनारे लंबी श्रृंखला बनाकर इन स्कूली बच्चों ने अपने स्वास्थ्य में पड़ रहे हानिकारक प्रभाव से बचाव की गुहार सरकार और जिला प्रशासन से इस मोर्चा के माध्यम से लगाई। आपको बता दें कि एस पॉइंट से छाई उठाव को लेकर जिस सड़क का चयन किया गया है, उसके आसपास के ग्रामीण शुरू से ही इस पर विरोध जताते आ रहे थे। विरोध और आक्रोश के बावजूद जब इनकी बातें लगातार अनसुनी कर दी गई, तब थक हार कर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सड़क पर उतरते हुए कल उस रास्ते से आवागमन को बाधित कर दिया जिस रास्ते से छाई उठाव ट्रांसपोर्टिंग का काम हो रहा था। आपको हमने दिखाया था कि कैसे ग्रामीण महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, व्यवसायी, बीएसएल के कर्मचारी, ठेका कर्मी सभी उस सड़क जाम में शामिल हुए थे, गुहार लगा रहे थे। कल के बाद आज यानी दूसरे दिन स्कूली बच्चों का हुजूम सड़क पर उतर आया और चैन बनाकर सरकार और जिला प्रशासन से उन्हें और उनके परिवार को इस समस्या से निजात दिलाने की इन छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने गुहार लगाने का काम इस श्रृंखला के माध्यम से किया। अपनी समस्या से जिला प्रशासन और सरकार के साथ साथ बीएसएल, बीपीएससीएल और इससे जुड़े ठेकेदारों को अवगत कराने को लेकर ग्रामीणों की ओर से उठाए गए इस कदम के दूसरे दिन बच्चों के सड़क पर उतरने से ग्रामीण बेहद दुखी हैं, क्योंकि जिस उम्र में इन्हें किताब कॉपी पढ़ाई लिखाई की सोचनी चाहिए थी, उस उम्र में इन्हें अपनी सेहत के लिए सड़क पर उतर कर गुहार लगानी पड़ रही है। और उससे भी ज्यादा ये ग्रामीण इस बात से व्यथित है कि उनकी आवाज के पक्ष में अभी तक कोई भी राजनेता या राजनीतिक पार्टियां यहां नहीं पहुंचे। इस बाबत अपनी पीड़ा बताते हुए ग्रामीणों का यह मानना है कि निजी स्वार्थ की वजह से कोई भी राजनीतिक पार्टी या राजनेता उनके बीच नहीं आ रहे हैं। अब इसे विडम्बना कहें या सचमुच स्वार्थ भावना, तो क्या बुद्धिजीवियों का शहर बोकारो को यही एक दिन देखना बाकी रह गया था कि स्कूली बच्चों को सड़क की खाक छानना पड़ रहा है, और वह भी सिर्फ इसलिए कि उन्हें उनकी और उनके परिवार की जान की फिक्र है।